मैम, बेटी कविता में वो सवाल सवाल आपने पूछा था उसका जवाब। हाँ एक मिनट, हाँ जैनब म्यूट करो, जैनब म्यूट करो, जैनब अपना म्यूट करो, माइक यस म्यूट करो, माइक अनम्यूट मत रखो। ओके बोलो पंजवाणी, बताओ बेटा क्या सवाल था और आंसर। मैम, व्यक्त किया गया है इसमें एक बेटी के सपने आएगा। फिर से बताओ बेटा, पूरा सुनाई नहीं दिया। मैम, बेटी कविता में क्या व्यक्त किया गया है इसमें एक बेटी के सपने आएगा। हाँ एक बेटी की भावना है, एक बेटी के सपने, राइट। चलिए आप नोट पेन लेकर बैठे होंगे और आपको पता है कि हम रफ बुक में ही काम करते हैं और उसके बाद आप लोगों को फेयर बुक में काम करना है, पता है ना ये तो। हाँ कि ना, यस ओके चलो। तो अब पहले आज मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ जिनके जवाब आप अपने आप लिखेंगे। इस बार 17-2 में हम थोड़ा 17-1 से अलग करेंगे, ठीक है। सारे सवालों के आंसर पहले मैं ही आपको करवा देती थी, अब मैं आपको सीधा आंसर नहीं करवाऊंगी, अब मैं पहले आपको दूंगी करने के लिए। इसलिए आज मैं कुछ सवाल लिखवा रही हूँ आपको, वो सवाल आपको अभी लिखने हैं रफ बुक में, फिर उसके आंसर अभी आपको रफ बुक में ही लिखने हैं होमवर्क में, और उसके बाद उनके उनके आंसर आपको अगले लेक्चर में हम देंगे, और सही होंगे आपके आंसर वो, और जो सही ना हो उसे सुधार कर आपको फिर फेयर बुक में कंप्लीट करना है। समझ में आई बात? यस मैम। ओके चलो, तो आप पहला सवाल लिखो और गर्ल्स म्यूट रखेंगे, सबके सब म्यूट रखेंगे जब तक मैं ना बोलूं। हाँ चलो लिखो, लिखो पहला सवाल। बेटी बेटी तारा बनकर, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? लिखा क्वेश्चन तो और क्या है? आंसर है। यस मैंने, मैम, एक बार सॉरी बेटा, 3 बार बोल चुकी हूं। बेटी तारा बनकर क्या करेगी? उसके बाद दूसरा सवाल लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। बेटी बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती हैं, चमकना चाहती हैं? बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती हैं? हो गया? हाँ मैम, यस मैम। उसके बाद तीसरा लिखिए। बेटी बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी किस लिए मेहनत करेगी?
लिखा। यस यस मैम। मैम। उसके बाद देखिए, शिवलिंग, शिवलिंग खरीदने के बाद, खरीदने के बाद नरेंद्र के पास, नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे, कितने पैसे बचे थे। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे। हो गया। मैम उसके बाद लिखिए, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई। उसके बाद लिखिए, उसके बाद का लिखिए। ये हो गया ना। हाँ मैम हो गया। लिखिए, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद का लिखिए, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था। का सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था। लिखा। हाँ मैम लिखा। ओके, लास्ट लिखिए अब। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर, कौन सी मोमबत्ती बुझाकर, कौन सी मोमबत्ती जलाई। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई। हो गया। हाँ मैम हो गया। ओके, इतने सवाल, इसके आंसर मैंने वैसे तो आपको लेसन जब करवाए तब साथ साथ सिखाए थे, है ना, पर फिर भी हम स्वाध्याय में भी लिखेंगे, तो अभी पहले आप करेंगे फिर मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ी आदत होनी चाहिए कि क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करें। हाँ, मैं सीधा लिखवाऊंगी तो आप इतना लर्न नहीं करोगे, पहले आप लिखो फिर मैं करवाऊंगी, जो नहीं आएंगे वो।
ठीक है, चलिए अब आपका लिखने का काम खत्म, अब सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देना है। ओके, चलिए तो आज हम जो हैं वो हमारा तीसरा लेसन, हाँ, जो एक बहुत अच्छी कहानी है सच्चा हीरा, वो करने वाले हैं। चलिए तो ये कहानी क्या कहा बेटा? मैंने ये लेसन घर पे बैठकर पढ़ा था। है ना, वेरी गुड, पढ़ना ही चाहिए। जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचर आपको करवाए, उससे पहले आपको घर पे एक बार करना चाहिए। वो हमने देखा था ना कि सचिन तेंदुलकर 3 बार मैच खेलता है, फिर मैंने आपको सिखाया था, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो पहले मैं पढ़ाऊँ, उससे पहले आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ाऊँ, फिर आप एग्जाम दो और फिर उसका मूल्यांकन करो, है ना? वेरी गुड। चलिए तो सच्चा हीरा वह कहानी जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये कहानी में क्या है पहले तो उसकी भूमिका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी जो है ना उसमें व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया है। अब ज्ञान, ज्ञान तो आपको पता है ना, जो भी आप जानकारी आपके पास हो जिस भी क्षेत्र के बारे में उसे ज्ञान कहते हैं। तो उसके ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया है। कर्म यानी जो वो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म यानी जो वो काम करता है, कार्य करता है, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी इस कहानी में महत्व दिया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। देखिए अब यहाँ क्या कहा है हमें, आचरण, ये शब्द थोड़ा आपके लिए नया है, आचरण। ओके, फिर निरर्थक। ओके, तो ये दोनों शब्द कि अच्छा ज्ञान जो है अगर वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। आचरण यानी स्वभाव में, आचरण यानी स्वभाव में, और निरर्थक यानी व्यर्थ, हाँ, नकाम, गुजराती में कहिए ना नकाम। एम तो तुम्हारी, आपके पास ज्ञान है वो अच्छी बात है, पर अगर वो आपके स्वभाव में नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है वो। अब देखिए, ज्ञान है आपको कि भाई आपको नॉलेज है कि भाई पेपर कैसे लिखना है, तो पर आप लिखो नहीं तो वो किसी काम का है नहीं है, है ना? आपको ज्ञान है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ये ज्ञान है आपको। पर अगर आपके स्वभाव में नहीं है, आचरण में नहीं है, आप सुनते नहीं वो उनकी कुछ, हाँ, पर तो वो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं। आप जो भी पढ़ते आए हैं या अब भी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही है। इसीलिए ये सब कहानियां वगैरह दी गई है जिसे आपको अपने अंदर उतारना है, आपको अपने जीवन में उन बातों को उतारना है। तो स्वभाव में ऐसा करना है, इसलिए आपको ये सब दिया गया है। पर आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं है। आपने पढ़ाई की, पर पढ़ाई किसी काम की नहीं होगी अगर आपके स्वभाव में नहीं होगी। आप गणित में सब सीखते हो, पर अगर आपको फिर भी हिसाब किताब ना आए तो वो आपका गणित का ज्ञान है वो किस काम का? किसी काम का नहीं ना, वैसी ही बात है, समझे आप लोग? तो अगर आपका ज्ञान जो है वो आपके आचरण में नहीं है, आपके स्वभाव में नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। इस बात को और भी अच्छे तरीके से हमें प्रस्तुत जो कहानी है हमारी उसमें दिया गया है। ओके, तो अब हम कहानी पे आ जाते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे रोल नंबर 25। हाँ मैम, सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपनी अपनी ऊँट की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी।
भरकर कुछ या तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर बातें करने बस लगी। बस ओके। अब उसके बाद रोल नंबर 21। यस मैम। पढ़ो बेटा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने एक अपने मिनट नीचे और एक मिनट एक मिनट, आपको पता है आगे आपके किसी ने पढ़ा? ध्यान था बेटा आपका, उन्होंने जहां से छोड़ा हाँ वहीं मैम। से आगे पढ़ना है। हाँ पढ़ो। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। बस मेरा बस बेट ओके। अब उसके बाद रोल नंबर 13। मैम। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। ओके चलिए, तो क्या कहा है? सूर्य अस्त हो रहा था। अब सूर्य अस्त हो रहा था मतलब, अस्त होना मतलब क्या होता है? मतलब सूर्य डूब जाता सूर्य का अस्त होने यानी संध्या का समय। ओके, तो सूर्य अस्त हो रहा था और पक्षी जो हैं वो चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी माला हाँ माला। घोंसला, घोंसला है ना, उसे हिंदी में घोंसला कहते हैं। तो नीड यानी घोंसला। तो पक्षी जो हैं वो अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। देखिए, शायद आप में से किसी को पता नहीं था नीड, पर आपने कैसे अंदाजा लगाया उन कुछ लोगों ने कि भाई शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा था मतलब शाम का समय, तो पक्षी कहाँ जाते हैं? अपने अपने घोंसलों की ओर ही जाते हैं ना। तो वही बात है। ओके, फिर क्या कहा? गांव की कुछ स्त्रियां जो हैं वो पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। ये गांव की बात है, हम जो कहानी करने वाले हैं ना वो एक गांव की है। तो वहां की स्त्रियां जो है ना वो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती सुबह शाम, सुबह भी जाती फिर शाम को भी जाती। हाँ, तो दोनों टाइम पानी भरने के लिए जाती। पहले कोई घर में नल नहीं था, पानी भरने के लिए कुएं पर जाना पड़ता, तो पानी लेने के लिए कुएं पर गई। शाम के समय पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर लौट आई, परंतु उनमें से चार जो हैं वो कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अब पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो लौट के आ गई घर वापस, परंतु उनमें से जो चार स्त्रियां थी ना, वो चार आपस में शायद सहेलियां होंगी। तो वो चार दोस्त सहेलियां जो थी वो कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई। पक्की जगत पर बैठना यानी क्या? देखिए, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो आप बता पाओगे जगत मतलब क्या? कुएं की पक्की जगत मतलब? नेपा कुएं के पास बैठी थी। ऊपर फिर और कुएं के कौन बता? पास बैठ बैठ के पक्की जगह। हाँ गुड। देखिए, कुएं के आसपास जो ये सीमेंट से या ईंट पत्थरों से बनाया जाता है ना, जहाँ पर बैठ सके, कपड़े धो सके, पानी भर सके साफ, है ना, तो उस जगह को जगत कहते हैं। तो वो स्त्रियां जो हैं वो कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। अब सहेलियां थी
तो यहाँ वहां की बातें करने लगी। बातचीत जो है ना वो उनके बेटों पर जा पहुंची। अब बातें कर रही थी इसकी उसकी, तो बात कहाँ पहुंची, अपने अपने बेटों पर पहुंची कि मेरा बेटा ये या मेरा बेटा वो, ऐसी बातें करने लगी। तो उनमें से एक स्त्री तो जो थी ना, स्त्रियां कितनी थी, चार, तो उनमें से एक स्त्री थी ना जो सबसे बड़ी उम्र की लग रही थी, वो कहने लगी कि भाई भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। क्या कहा उसने, इस कि भगवान जो है ना सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। क्या था उसका बेटा, लाखों में एक, उसका कंठ बहुत मधुर है। क्या कहा उसने, उसका कंठ जो है वो बहुत मधुर है। आप कंठ मतलब क्या, गला हाँ गला है आवाज ना, आवाज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मधुर यानी मीठा। हाँ मीठा, वेरी गुड, मधुर यानी मीठा। ओके तो क्या कहा उसने कि मेरा बेटा जो है ना उसका गला बहुत मीठा है, यानी उसकी आवाज बहुत मीठी है और वह बहुत अच्छा गाता है, और उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ उसने कोयल और मैना का उदाहरण दिया है। हाँ कि भाई पक्षियों में सबसे मधुर आवाज किसकी होती है, कोयल और मैना की होती है ना, तो यहाँ उसने कोयल और मैना का उदाहरण दिया है कि उसका गीत सुनकर कोयल और मैना जो है ना वो भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव मतलब बड़े मन से चाव से मतलब बड़े मन से। तो क्या कहा पहली स्त्री ने कि भाई मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका गला जो है उसकी आवाज जो है वो बहुत मधुर है और वह बहुत अच्छा गाता है, और उसके गीत सुनकर कोयल और मैना चुप हो जाती, यानी कोयल और मैना से उसकी बराबरी की उसने, और लोग जो है ना वो बड़े मन से उसका गीत सुनते हैं, ऐसा उसने अपने बेटे की तारीफ में कहा। इतना समझ में आया? हाँ मैम। ओके तो इसके क्वेश्चन आंसर पहले हो जाए, हाँ फिर दूसरे पे चलते हैं। ओके सूर्यास्त के समय पक्षी कहाँ की ओर चल पड़े? नीड़ की ओर, नीड़ हाँ की ओर। सूर्यास्त के समय पक्षी अपने अपने नेड़ की ओर चल पड़े। गांव की स्त्रियां कहाँ जा रही थी? पानी भरने नहीं अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। घड़े लेकर कुएं की तरफ पानी भरने जा रही थी। गांव की कुछ स्त्रियां कहाँ चल पड़ी? तो गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। क्या होगा आंसर, गांव की कुछ स्त्रियां कहाँ चल पड़ी? तो गांव की कुछ स्त्रियां कुएं की ओर पानी लेने चल पड़ी। ठीक है, फिर कितनी स्त्रियां बैठकर बातें करने लगी? चार चार एक ही लड़की बार बार आंसर नहीं देगी, आपने एक बार बोल दिया तो फिर चुप हो जाओ, फिर वही बात दोहराओ मत। मतलब ओके वही बात दोहराओ मत। ओके गांव की चार स्त्रियां कहाँ बैठकर बातें करने लगी? पक्की जगत पर, हाँ कुएं की पक्की जगत पर। ओके उसके बाद ये बताओ आप कि कुएं की पक्की जगत पर बैठकर स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? अपने बेटों के बारे में। हाँ अपने बेटों की बातें ओके वेरी गुड, ये आंसर परफेक्ट था। कुएं की पक्की जगह पर बैठकर स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। पहली स्त्री का बेटा क्या था? उसका बेटा लाखों में एक था, उसका कर्ण मधुर है, मधुर एक था। मिनट एक मिनट, कौन बोल रहा है? मैम बुशरा। बुशरा। मैंने क्या पूछा बेटा, सवाल तो समझो।
मैंने पूछा कि पहली स्त्री का बेटा, आपने ये सब इसके बारे में पढ़ा, पहली स्त्री के बेटे के बारे में, तो पहली स्त्री का बेटा क्या था? एक शब्द में ही उसका आंसर है। नहीं सुनाई नहीं दे रहा? अरे, वो गाता था तो उसका बेटा गायक था। इतना सा नहीं समझ में आया बेटा आप लोगों को? पहली स्त्री का बेटा गायक था। ओके, अब बताओ कि पहली स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? पहली स्त्री ने हम्म, अपने बेटे को लाखों में एक बताया। आपसे पहले कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था? मुझे उसका आंसर सुनना है। पहली स्त्री अपने बेटे के बारे में लाखों में एक बताया। हाँ, वेरी गुड। पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरा बेटा लाखों में एक है। ओके, पहली स्त्री के बेटे का कंठ कैसा था? पहली स्त्री के बेटे का मधुर हम्म, था, दूर ओके। पहली स्त्री ने अपने बेटे की बराबरी किसके साथ की? कोयल और मैना के साथ। कोयल और मैना के साथ, वेरी गुड। और पहली स्त्री के बेटे के गायन के बारे में लोगों के क्या विचार पहली स्त्री ने बताए? वो बड़े चाव से उसका गीत सुनते थे। हाँ, पहली स्त्री ने कहा कि लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ यस मैम। मैम। हाँ, वो इसलिए बताया बेटा कि अब आपको इसके विकल्प, खाली जगह यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, विधान, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न कुछ भी पूछा जाए ना, तो अब ये पहली स्त्री के बारे में जो भी सवाल है वो आपको सब आएंगे, है ना? यस मैम। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, रोल नंबर फोर। रोल नंबर फोर, यस पढ़ो बेटा। प्रियांशी, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही बस शक्तिशाली और बहादुर है। बस 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 प्रियांशी, बस। ओके, रोल नंबर 60, 60। जैनब, जैनब है कि नहीं है गर्ल्स? नहीं है। हाँ नहीं है, लेफ्ट हो गई। ओके, रोल नंबर 17। वह बड़े बड़े बहादुर को भी पछाड़ देता है। अरे, वह कहाँ पहुंचे आधुनिक आप, पहले देखो तो सही बेटा। मैंने पॉइंटर भी रखा है। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। ओके, बस यस बस। अब उसके बाद रोल नंबर 31। सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री, सिक्सटी वन। यस मैम। यह बात सुनकर दूसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा शत्रु विपक्षी का वह अवतार था। बस बस। ओके, 39। थर्टी नाइन, मैं बोली रोल नंबर 13। थर्टी नाइन, इकरा, जैनब। सारा, सारा, पढ़ो। हाँ, वह
पढ़ता एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। ओके चलिए, तो अब यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है? हेलो मैम, बोलो ज़ेनब। लाइट नहीं हो गई थी, मेरी लाइट चली गई थी मेरे घर पे, तो फोन कट हो गया था इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ वो हम समझ गए थे। हाँ बेटा ओके, अब सुनो। अब पहली स्त्री की बातें सुनकर दूसरी स्त्री को भी मन हुआ कि भाई मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूं, है ना? तो उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा की। तो उसने क्या कहा कि उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब वो बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली है, इसलिए उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब वो कुश्ती करता था, अच्छे से वो कुश्ती कर पाता था, है ना? तो इसलिए वो बहादुर था, एकदम बड़ी सी हाइट थी उसकी, बॉडी अच्छी थी, तो वह ऐसे बहादुर और शक्तिशाली था। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। क्या कहा कि जब कुश्ती होती है ना, तो वो मेरा बेटा जो है ना, वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, यानी हरा देता है। पछाड़ देना यानी हरा देना, मुहावरा है। हम जब मुहावरे करेंगे ना, तो उसमें ये मुहावरा भी करेंगे, पछाड़ देना यानी हरा देना। ओके ओके यस पछाड़ मैम। देना यानी हरा देना। ओके तो उसने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत ही शक्तिशाली है और बहादुर भी है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देता है मतलब हरा देता है। ओके वह आधुनिक युग का भीम है। अब भीम कौन, आपको पता है भीम के बारे में, जानते हो आप कौन था भीम? मीम वो चार भाई थे वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा नजदीक हो आप। और कोई जानता है कुछ भीम के बारे में? मिस कुंदेमान का पुत्र। भीम जो है ना, वह पांडवों, जो पांच पांडव थे ना, उसमें से एक था भीम, है ना? तो वह भीम, वो आप छोटा भीम कार्टून देखते हैं ना, वो नहीं, ये भीम कौन है? वो पांच पांडव थे ना पहले के, महाभारत आपने देखा हो ना टीवी में, तो उसमें पांच मैं पांडव उसका थे। नाम बताऊं? मैम अरे उसका नाम ही भीम था। भाई का हेलो नाम। मैम। नहीं, चुप रहो आप लोग बेटा। तो वो हेलो जो, चुप रहो बेटा, जो पांच पांडव थे उनमें से एक भाई का, म्यूट रखो। पांच भाई थे उनमें से एक भाई का नाम भीम था। हाँ तो वो जो भीम था ना, वो उसके जमाने में बहुत ही बहादुर था। हाँ और ऐसा कहा जाता है उसके बारे में कि 100 हाथियों जितनी ताकत जो है ना, वो उस भीम में थी। भला बोलो, 100 हाथियों जितनी ताकत, है ना? तो इसलिए इसका, दूसरी स्त्री का बेटा बहादुर है ना, तो उसने उसकी बराबरी भीम के साथ की, क्योंकि बहादुरी जो जैसा हो उसकी बराबरी वैसे के साथ की जाती है ना? तो वो उसने उस उसका बेटा बहादुर था, शक्तिशाली था, इसलिए उसने उसकी बराबरी भीम के साथ की। आया समझ में? हाँ मैम। तो चलिए पहले इसके प्रश्न कर लेते हैं। ओके, दूसरी स्त्री का बेटा क्या था? दूसरी दूसरी स्त्री का का बेटा बेटा बहादुर बहादुर था। था। ओके दूसरी स्त्री का बेटा जो है वो किसे पछाड़ देता था? बड़े बड़े बहादुर हाँ, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्यारे बराबरी किसके साथ की? हाँ, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बराबरी भीम के साथ की। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? तो आधुनिक युग का भीम। ये दोनों सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं। हाँ म्यूट रखो ना गर्ल्स, क्यों बार बार कहना पड़ता है आपको कि म्यूट रखो? आप आंसर दे दो, फिर म्यूट कर ही देना है।
तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बराबरी भीम के साथ की, और दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। इतना समझ में आया? यस मैम, यस ओके, मैम, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? हमने क्वेश्चन आंसर किए जो आपको रफ बुक में आज लिखने हैं, ओके? उसके आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी। उसके बाद हमने किया सच्चा हीरा। तो उस सच्चे हीरे में हमने देखा कि चार स्त्रियां थी, वो बातें कर रही थी, कुएं की छत पर बैठकर बातें कर रही थी और अपने बेटों के बारे में बातें कर रही थी, राइट? उसमें से पहली स्त्री ने अपने बेटे को गायक बताया,